हेलो, गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हम लोग टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज करना है, किस बीमारी में ज़रूरत है, किस बीमारी में ज़रूरत नहीं है, सही एंटीबायोटिक क्या है, किस किस काम में कौन कौन बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक आता है, इसको जानेंगे। आज का टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक के बारे में जब हम जानेंगे तो समझ पाएंगे कि एंटीबायोटिक का यूज हमको कहाँ करना है। अभी जो हमारा ट्रस्ट, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यह सभी लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग आज इस उद्देश्य से यह वीडियो बना रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं। तो एंटीबायोटिक जो है आज के समय में, अभी हमारा जो वर्तमान समय में जो हमारे बिहार से लेके भारत के बहुत सारे राज्यों में और खास करके बिहार में इसका धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यह नहीं मालूम है कि एंटीबायोटिक का यूज कहाँ करना है। कुछ भी हुआ तो सबसे पहले एंटीबायोटिक, पेट में दर्द है एंटीबायोटिक, हाथ में दर्द है एंटीबायोटिक, बुखार लग रहा है एंटीबायोटिक, हाँ स्किन में फंगल इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक, वायरल इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक, कोई चीज होता है तो एंटीबायोटिक का यूज किया जा रहा है। और लोगों को यह मालूम नहीं है कि एंटीबायोटिक इतना घातक और इतना जानलेवा है कि अगर इसका गलत उपयोग हो जाए तो आदमी के बहुत सारे ऑर्गेन्स को फेल्योर कर सकता है, कैंसर कर सकता है, ब्लड कैंसर कर सकता है, लीवर को खराब कर सकता है, किडनी को खराब कर सकता है। लेकिन अभी के समय में क्या है कि जहाँ गांव देहात जहाँ भी जाएगा, छोटे दुकान में कोई बोलेगा हमको एक दिन से बुखार है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा फीवर हो, वायरल फीवर हो, कोई फीवर हो, कुछ भी हो, कोई डिजीज हो, वीकनेस लग रहा है, कमजोरी लग रहा है, बीपी बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, कुछ भी हो गया है तो एंटीबायोटिक दो गोली, दर्द का है तो दर्द का दवाई दो, डेक्सोना कार्टिसोन और एंटीबायोटिक, कार्टिसोन और एंटीबायोटिक चला चला के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि एंटीबायोटिक का प्रयोग कहाँ हुआ, एंटीबायोटिक का खोज क्यों हुआ। एंटीबायोटिक मतलब होता है कि वैसा दवा जो बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आता है। हमारे एटमोस्फियर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, हेलिमिंथ है। अब हमको जिस तरह का इन्फेक्शन है, अब मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के चलते मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है। लेकिन जब तक बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं हो, उसका सिम्टम नहीं हो, ऐसे केवल बैक्टीरिया का नहीं डिटेक्ट होने पर हम कोई भी दवा थोड़े ले सकते हैं बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का खोज इसलिए किया गया कि जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे हमारा जान ले सकते हैं, हमारे शरीर के ऑर्गेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमको मार सकते हैं, वहां पे उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक का खोज किया गया और एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया। लेकिन आज के समय में यदि एंटी फंगल है तो लोग जानता है, तो एंटीबायोटिक का एक नाम जान लिया है सारा कि यही एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक दे दो। लोग भी जाता है किसी के पास, कोई बीमारी है, स्किन डिजीज है, खुजली है, कुछ भी है, तो दो गोली एंटीबायोटिक दे दीजिए, दो गोली दर्द का दे दीजिए, दो गोली एंटी एलर्जी दे दीजिए। दवा का दुकान वाला है, कुछ भी हुआ तो सबसे पहले खट दे कैंची रखा हुआ है, कैंची से चार गोली एंटीबायोटिक, चार गो पेन है तो पेन किलर, खुजली है तो खुजली का चार का दवाई, मैंने एंटीबायोटिक उसमें रहेगा। और एंटीबायोटिक का एक प्रॉपर डोज होता है, प्रॉपर एक इलाज होता है। अब एंटीबायोटिक का मतलब अनवांटेड इस्तेमाल करेंगे, अब क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि दो गो एंटीबायोटिक काट के दे दिया, दो खुराक है दवा एक ग्रुप का, ऐसे पेंसिलिन ग्रुप का दे दिया, अब दो दिन खाया, अब उसके बाद उसका फीवर नहीं ठीक हुआ था, दो दिन बाद वो क्या क्या सेफलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक काट के दे दिया, तो कभी क्यूनिलोन्स काट के दे दिया, तो कभी एमिनोग्लिसराइड ग्रुप का इंजेक्शन ठोक दिया। तो कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक एक प्रॉपर डोज होता है कि इसको 5 से 7 दिन का कोर्स पूरा करना है। यदि हम एक ही बीमारी में हमको एक बार बुखार हो रहा है और हम 10 दिन में क्या कर रहे हैं कि दो दो दिन करके 4 गो 5 गो एंटीबायोटिक का ग्रुप का हम लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो हमारा जो शरीर में बैक्टीरिया है वह क्या हो गया, इम्यूनाइज हो गया उस एंटीबायोटिक से। और इम्यूनाइज हो गया यानी क्या हुआ कि वह क्या करेगा, वह जो बीमारी से बीमारी को खत्म करना है, हमारा जो एंटीबायोटिक हमारे खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह जो हमारे शरीर में पल रहा है बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया क्या करता है, वह एंटीबायोटिक से इम्यूनिटी पैदा कर लेगा और वह रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक समय ऐसा आने वाला है कि बिहार में कोई एंटीबायोटिक के काम नहीं करेगा, इतना लोग एंटीबायोटिक का यूज कर रहा है कि एंटीबायोटिक के यूज करने से एक समय ऐसा आने वाला है कि किसी भी एंटीबायोटिक का हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है।
कि बिना काम के, बिना प्रूफ के, बिना सीरियस कंडीशन के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर अनवांटेड आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको तो बीमारी से लड़ बीमारी ठीक होने के बदला बीमारी बढ़ेगा, बहुत सारे ऑर्गेन को नुकसान पहुंचाएगा। अब हम आगे बताएंगे कि कौन एंटीबायोटिक क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह सब चीज़ आप समझना पड़ेगा सबको कि हर चीज़ में एंटीबायोटिक नहीं खाना है। जहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ है, वहीं पे एंटीबायोटिक का सेवन करना है। जहाँ पे एंटीवायरल है वहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, जहाँ पे एंटीफंगल है वहाँ एंटीबायोटिक का कोई ना रोल है, जहाँ पे आपको प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है वहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, जहाँ पे हेलिमेंथ का इन्फेक्शन है वहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक का रोल केवल वहीं पे है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाँव में एक दिन बुखार लगा नहीं कि गाँव का जो डॉक्टर साहब है वह क्या करेंगे, सीधे उठाएंगे मोनो से फोडी से सबको लगाना स्टार्ट कर दिया, डेक्सोना मिला के सुबह शाम ओडिसेफ मोनो से, तुरंत एक दो खुराक में बुखार भी चला जाता है और गांव के लोग भी खुश कि वाह क्या डॉक्टर साहब दवा करते हैं, और डॉक्टर साहब दवा क्या कर रहे हैं, उसके साथ क्या क्या दिक्कत होने वाला है भविष्य में, यह उनको नहीं मालूम है कि हम किस किस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो यह चीज़ को सब समझना पड़ेगा कि बिना अनवांटेड, अब एक दिन दो दिन में लोगों को टाइफाइड पॉजिटिव निकल जा रहा है, आज हमको आज बुखार आया, आज साहब जो चेक कराए तो कल टाइफाइड पॉजिटिव आ गया, क्योंकि टाइफाइड में हम इसके पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि टाइफाइड का कब लोग विडाल टेस्ट करता है और विडाल टेस्ट सेकेंड वीक में पॉजिटिव आता है, तो फर्स्ट वीक में पहले के दिन में यहाँ टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है और एंटीबायोटिक के ठेलम ठेल एंटीबायोटिक स्टार्ट। ठेलम ठेल स्टार्ट मतलब कि छोटा मोटा एंटीबायोटिक नहीं, डायरेक्ट एक बार चलिए भाई हाई एंटीबायोटिक हाई डोज में। अब शरीर में कभी कोई बड़ा बीमारी हुआ, कोई बड़ा बैक्टीरिया का प्रभाव हुआ, प्रकोप हुआ, तो उस समय हम सारे एंटीबायोटिक लेके अपने शरीर का रेजिस्टेंस पावर खत्म कर चुके हैं, तो उस समय हमको कोई एंटीबायोटिक ही नहीं बचेगा कि हम उस दवा का सेवन करके उस बीमारी को दूर करें। इसलिए सबको जागरूक होना जरूरी है, समझना पड़ेगा कि कोई एंटीबायोटिक काट के देता है फर्स्ट सेकेंड डे में नहीं लेना है, बिना कोई कन्फर्म हुए, बिना कोई क्लियर हुए एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है। एंटीबायोटिक के लिए डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उसका प्रॉपर डोज लेना है। दो दिन एंटीबायोटिक ले लेके शरीर का रेजिस्टेंस पावर नहीं खत्म करना है। अब ये तो हो गया, हम आपको जागरूक करने के लिए बता दिया। मेन चीज जो है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस किस बैक्टीरिया में किया जाएगा, तो बैक्टीरिया का भी बहुत प्रकार है। अब हमारे शरीर में कॉमन बैक्टीरिया जो है मनुष्य के शरीर में, मानव प्रजाति के शरीर में कौन कौन से प्रमुख कॉमन बैक्टीरिया है जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें हम एक उसमें हमारे शरीर में बैक्टीरिया को दो भाग में हम लोग कोकाई, देखिए कोकाई होता है, बैसिलस होता है, तो बैसिलस होता है, कुछ रड से बैक्टीरिया होता है, कुछ कॉलोनी में होता है, तो अलग अलग हम लोग जो इसके लिए हमको बैक्टीरियोलॉजी में घुसना पड़ेगा। और हम जनरल टॉपिक में बताएंगे यह कि हमारे पास ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हम लोग दो भाग में बैक्टीरिया को बांट दिए हैं। कुछ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में हम बताएंगे कि ग्राम पॉजिटिव मोस्ट कॉमन कोकाई है वह है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया का प्रकार है जो किस किस प्रजाति, उसमें कौन कौन सा प्रजाति पाया जाता है स्टेफाइलोकोकस में, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस इपिडर्मिस, स्टेफाइलोकोकस स्पाइरोचेट्स, उसके बाद दूसरा प्रजाति में हम आएंगे ग्राम पॉजिटिव के, तो एक हो गया स्टेफाइलोकोकस, एक हो गया स्टेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कौन कौन बैक्टीरिया, मतलब कौन कौन बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है, स्ट्रेप्टो निमोनियाई वह निमोनिया कोज करता है, और स्ट्रेप्टोपायोजिनस, स्ट्रेप्टोवोविस जो भैंस वगैरह में इन्फेक्शन करता है, तो एंटेरोकोकाई भी फूड पॉइजनिंग या फिर डायरिया डिसेंट्री कोज करता है। अब ग्राम पॉजिटिव ये तो कोकाई के बारे में बताया, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के बारे में बताएं, तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कुछ होते हैं जैसे बैसिलस एंथ्रेक्स, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी जिससे टेटनस होता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटनिलिज्म जिससे फूड पॉइजनिंग होता है, क्लोस्ट्रिडियम पैराफिनजेस होता है, नॉन स्पोर्मिंग फॉर्मिंग जो होता है बैसिलाई जो होता है वह क्रोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जिससे डिप्थीरिया होता है।
तो यह सब बैक्टीरिया का प्रकार है। कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कोकाई के बारे में हम समझेंगे, जिससे निजेरिया जो है ग्राम निगेटिव है। निजेरिया क्या करता है, तो गोनोरिया, निजेरिया गोनोरियाई गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कोच करता है, और निजेरिया मिनिंजस मिनिंजाइटिस कोच करता है। ये निजेरिया का प्रजाति है। उसी तरह हम लोग ग्राम निगेटिव बैसिलाई में बात करेंगे तो इंटेरिस्क होता है, जो इस्चेरिया ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई बोलते हैं। आजकल मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या होता है कि ज्यादातर ई कोलाई होता है, और बी कोलाई साल्मोनेला इन्फेक्शन होता है। साल्मोनेला से टाइफाइड फीवर होता है, साल्मोनेला डिसेंट्री फूड पॉइजनिंग से, फूड पॉइजनिंग के चलते साल्मोनेला डिसेंट्री होता है, डिसेंट्री होता है, डायरिया डिसेंट्री होता है, क्लेबिसिला निमोनियाई होता है। तो यह सब भाइब्रो कलरा से, भाइब्रो कलरा बैक्टीरिया से आपको कलरा होता है। तो यह सब प्रजाति है। अब कुछ रिस्पिरेटरी बैसिलाई है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, लोअर जो होता है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गन्स है उसमें व्यक्ति करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है और हीमोफिलियस डेकोराई होता है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया का बहुत सारा प्रजाति है। और भी बैक्टीरिया है, जैसे मोस्ट डेंजरस और मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया है, जिसमें अगर हम लोग इलाज नहीं कराए तो आदमी की जान जा सकती है, वह माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी का जो रोग होता है, और माइकोबैक्टीरियम लेपरा जो कुष्ठ रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम दो तरह का डिजीज माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो होता है, दो तरह का डिजीज प्रोड्यूस करता है। एक करता है ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा लेप्रोसी, यानी कि कुष्ठ रोग और टीबी रोग। टीबी का 9 महीना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कुष्ठ रोग का 1 साल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सब 6 महीना का भी ट्रीटमेंट है, टीबी का 1 साल का भी है। डिपेंड करता है किस तरह का दवा ले रहा है, किस तरह का उसका जो ट्रीटमेंट थेरेपी है, इंटेंसिव थेरेपी, कंटिन्यूअस थेरेपी ले रहा है, या क्या अलग अलग थेरेपीज जो होते हैं उसके लिए हम लोग करते हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में भी एमडीआर डेवलप हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का अनर्गल यूज के चलते और प्रॉपर दवा का एक डोज नहीं मिलने के चलते वो एमडीआर डेवलप कर जाता है, जो बहुत ही सीरियस कंडीशन होता है। तो यह चीज को समझना पड़ेगा कि हमको क्या है क्या नहीं है। आप देखिए कि हम एंटीबायोटिक का बात कर रहे थे, तो एंटीबायोटिक का जो खोज किया, तो सबसे पहले जो दुनिया में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक आया वह पेंसिलिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया जब लोग टीबी जैसे बैक्टीरिया, चाहे बड़े बड़े बैक्टीरिया से लोग, गांव का गांव साफ हो जाता था, लोग के मुंह से ब्लड आता था, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता था, कलरा हुआ तो पूरा गांव साफ, हैजा हुआ तो पूरा गांव साफ। तो उस समय वैज्ञानिकों ने खोज किया और देखा कि यह एक बैक्टीरिया का प्रजाति है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवा का इस्तेमाल हुआ, जो दवा का खोज हुआ, वह कहलाया एंटीबायोटिक। मतलब एंटी मतलब खिलाफ, अबायोटिक मतलब कि बैक्टीरिया के खिलाफ। बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसके सेल में ब्रीड को खत्म करने के लिए, उसके उसके उसको नष्ट करने के लिए जिस बैक्टीरिया का हमने जिस दवा का इस्तेमाल किया गया वह एंटीबायोटिक कहलाया। अब देखिए कि हम लोग जो है एंटीबायोटिक का जो हम लोग बंटवारा करेंगे कि किस किस ग्रुप में कौन कौन एंटीबायोटिक आएगा, क्या क्या उसका यूजेज है, क्या क्या काम है, क्या क्या टॉक्सिसिटी है, वो क्या क्या टॉक्सिन करता है, उसको हम लोग समझें। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे पेंसिलिन, सबसे पहले जो है पेंसिलिन का खोज किया गया। जितना भी एंटीबायोटिक ग्रुप है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है पेंसिलिन। बहुत दिनों तक, बहुत समय पहले केवल एक ही दो एंटीबायोटिक थे, उसमें एंटीबायोटिक के रूप में काम किया जाता था। तो पेंसिलिन का भी प्रकार हुआ पेंसिलिन जी, प्रोकेन पेंसिलिन, बेंजाइन पेंसिलिन। तो यह सब किस किस बैक्टीरिया पे अच्छा काम करता था, यह सब स्टेप्टो पायोजिनस, स्टेप्टो एग्लिटने, पैराफिंजेस बैसिलाई पे काम करता था। लेकिन इसका भी कुछ साइड इफेक्ट था, यह हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करता था, किसी किसी को रिएक्शन होने पे आदमी का जान भी चला जाता था। तो इसको पहले हम लोग स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट, कोई भी एंटीबायोटिक दीजिए तो पहले स्किन सेंसिटिव एक्टिविटी टेस्ट कीजिए, और उसके बाद कंफर्म होने के बाद उस बैक्टीरिया का डिटेक्ट कीजिए कि किस बैक्टीरिया में किस एंटीबायोटिक का अच्छा रोल है। या हेमोलाइटिक पेंसिलिन ग्रुप का जो एंटीबायोटिक है वह हेमोलाइटिक एनीमिया भी कोच करता था। एनीमिया में हम बताए हुए हैं कि कितने प्रकार के एनीमिया होते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, यह सब डिस्कस हो चुका है। अब दूसरा ही पेंसिलिन ग्रुप का ही एक और एंटीबायोटिक है एम्पीसिलिन और क्लोक्सासिलिन, एमिनो पेंसिलिन इसको हम बोलते हैं। एमिनो पेंसिलिन क्या क्या, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के साथ साथ ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई और इस्चेरिया फोकलास पे अच्छा काम किया,
और इसका यूज बहुत दिनों तक, पहले इसके नाम से बहुत प्रचलित दवा था, घाव वगैरह का कोई भी इन्फेक्शन हुआ या कोई भी लोग को कोई भी एंटीबायोटिक खाने की जरूरत पड़ती थी तो लोग एम्पीसिलिन का टेबलेट लेते थे, एमोक्सिसिलिन लेते थे। आज भी एमोक्सिसिलिन का यूज होता है, एमोक्सिसिलिन के नाम से एमोक्स आता है, क्लेवाम आता है 500, हाँ एम्पीसिलिन के नाम से पहले एम्पीसिलिन क्लोक्सासिलिन का टेबलेट आता था मेगापेन, तो यह सब पहले इस्तेमाल ज़्यादा होता था, आज भी होता है, लेकिन आजकल इतने और बहुत सारे ग्रुप आ गए हैं, इतने नए नए जनरेशन आ गए हैं कि सारा लोग नया जनरेशन का यूज करता है और इस एंटीबायोटिक का इतना यूज किया गया कि यह एंटीबायोटिक हमारे शरीर में रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारे लोग के बीच बीच में यह काम ही नहीं करता है। और इसमें भी हम लोग क्या क्या शरीर पर एंटीबायोटिक प्रभाव डालता है तो हम लोगों ने देखा कि इसमें भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और हिमोलाइटिक एनीमिया कॉज होता है। यानी कि हर दवा अंग्रेजी का जो भी हर दवा है, हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, कोई ना कोई चीज़ पे इफेक्ट है। तो यदि हमारा किसी क्रिटिकल कंडीशन में है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जहाँ पे हमको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है, उसके बिना हमको काम नहीं करेगा तो हम उसको लेंगे ना, तो अनवांटेड अगर लेंगे तो अनवांटेड उसका कोई रोल भी नहीं हमारे शरीर में नहीं है और उल्टा से क्या करता है कि हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ बीमारी ही प्रस्तुत करता है, हमारे किसी न किसी ऑर्गेन में बीमारी अपीयर करता है ना, या हमारे किसी न किसी ऑर्गेन को डैमेज करता है। तो यह चीज़ समझना है सभी को, सभी को बिना कारण के एंटीबायोटिक नहीं लेना है, किसी का कहने पर एंटीबायोटिक नहीं लेना है जब तक उसकी ज़रूरत नहीं हो, ज़रूरत पड़ने पे लेना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं लेना है, ज़रूरत पड़ने पे आपको एंटीबायोटिक लेना है। तो अभी हम लोग ने पेंसिलिन के विषय में समझा, एमिनो पेंसिलिन के विषय में समझा, अब देखिए कि अब पेंसिलिन प्लस रेजिस्टेंस पेंसिलिन के कुछ एंटीबायोटिक हैं, जिसमें क्या है ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइकोलक्सासिलिन, यह भी एंटीबायोटिक का ही पेंसिलिन का ही कुछ ग्रुप का है। तो पिपरासिलिन, आजकल पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम के नाम से भी 4.5 ग्राम पर के एंटीबायोटिक का यूज बहुत सारे जगहों पे होता है, तो यह भी एंटीबायोटिक है जो है पेंसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। दूसरा ग्रुप में हम लोग बात करेंगे सेफलोस्पोरिन ग्रुप आता है। सेफलोस्पोरिन ग्रुप में हम लोग 3 जनरेशन में हम लोग सेफलोस्पोरिन ग्रुप को बांटे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो एंटीबायोटिक्स है उसका जो है सेफाजोलिन है, और सेफाजोलिन जो है कि उसका और सेफलेक्सिन है। तो सेफाजोलिन और सेफलेक्सिन का इस जो है मेन मेन बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया पे मतलब कि है, तो वह है स्टेफाइलोकोकस ओरियस पे है, स्टेफाइलोकोकस इपिडर्मिस पे है, ग्राम निगेटिव कुछ बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, क्लेबिसिला, इस सब पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो क्लेविसिला हो गया, अब इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, यह भी एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, किसी को कोई एलर्जी के चलते एलर्जिक रिएक्शन जो होता है यह कॉज कर सकता है, और यह कुम्स पॉजिटिव एनीमिया भी 3% लोगों में कॉज कर सकता है। सेकेंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन में कौन कौन सा एंटीबायोटिक है, तो सेफोक्सिटिन है, सेफाक्लोर है और सिफोरोक्सिम है। आजकल सिफोरोक्सिम भी बहुत पॉपुलर एंटीबायोटिक हुआ है, तो यह सेफलोस्पोरिन के सेकेंड ग्रुप में है, और यह भी क्या करता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस इपिडर्मिस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई, बी कोलाई, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर इसका रोल है, और यह भी क्या करता है एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हर का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। थर्ड जनरेशन के सेफलोस्पोरिन ग्रुप में हम लोग कौन एंटीबायोटिक रखे हैं, सेफोट्रैक्सोन, सेफोटैक्सिम, सेफ्टाजिडिन, सेफेपिम, फोर्थ जनरेशन है। तो यह जितना भी सेफ्ट्राइक्सोन है, सेफोटैक्सिम है, सेफिजिडिम है, यह ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव मेनिंजाइटिस पे, स्टेफाइड में, ई कोलाई में, बी कोलाई में, बहुत सारे बैक्टीरिया में इसका अच्छा सा रिस्पॉन्स। देखिए कि सेफ्ट्राइक्सोन और सेफोटैक्सिम जो है सेफलोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है, और आज का मोस्ट पॉपुलर इसका मेनिंजाइटिस में भी यूज है, टाइफाइड में भी यूज है, थरले से बहुत अच्छा काम करता है टाइफाइड में, मेनिंजाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, निमोनिया में अच्छा काम करता है, चेस्ट इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है, सारे टाइप के बैक्टीरियल फीवर में अच्छा काम करता है सेफोट्रैक्सोन और सेफोटैक्सिम। लेकिन अगर किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं हुए, वायरल इन्फ्लुएंजा हो गया, चाहे ऐसी किसी भी चीज़ में है, आजकल ओडीसेफ वहीं सेफोट्रैक्सोन है, बहुत ही मोनोसेफ है, इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, धड़ल्ले से यूज हो रहा है। तो जहाँ पे जरूर इसका तो काम भी अच्छा है, अच्छा एंटीबायोटिक है, मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक है, लेकिन जहाँ पे जरूरत है वहीं पे अगर इसका इस्तेमाल हो तो सबके लिए अच्छा रहेगा,
और समाज के लिए अच्छा रहेगा, लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब अदर कुछ सेल वाल इनहिबिटर्स जो हैं, जैसे वेंकोमाइसिन है, वेंकोमाइसिन का जो है वो भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में होता है, लेकिन यह क्या करता है कि इसका जो होता है नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक है, मतलब इसका नेफ्रॉन जो होता है किडनी के नेफ्रॉन को डैमेज कर सकता है और कान में बहरापन ला सकता है। तो अनवांटेड अगर इसे यूज करेंगे तो ज्यादा यूज होने से यह सब चीज का खतरा हो सकता है। बीटा लैक्टोमेस इनहिबिटर्स जो में है कैल्वेनिक एसिड, सालबैक्टम और टेजोबैक्टम है। आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है उसके साथ कैल्वेनिक एसिड रहता है या फिर टेजोबैक्टम रहता है या फिर सालबैक्टम रहता है, तो इसका भी प्रभाव जो होता है ग्राम पॉजिटिव और आजकल मोस्ट मतलब क्या है कि पेंसिलिन ग्रुप के साथ भी आता है, जैसे मेक्सिसिलिन और कैल्वेनिक एसिड। पेंसिलिन ग्रुप एक हो गया, एक बीटा लैक्टोमेस इनहिबिटर्स हो गया, और फिर आपको सिफेक्सिम के साथ भी आता है, बहुत सारे चीज के साथ आज मिक्स करके आता है कैल्वेनिक एसिड, या फिर वो सेफ्ट्रैक्जोन सालबैक्टम आता है, सेफ्ट्रैक्जोन या टेजोबैक्टम आता है, तो इसका भी ग्राम पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ओरियस एपिडेमिस इकोलाई बीकोलाई सालमोनेला इस सब चीज पर इसका अच्छा यूजेज है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में काम करता है, और इसका जो साइड इफेक्ट बात करेंगे तो ये भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और क्या कहते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया कोज करता है, यानी कि हेमोलाइटिक एनीमिया भी यह कोज कर सकता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत सारे एंटीबायोटिक है उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन यह जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया का प्रकोप हो जाएगा, जब हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा, जब हमारे भीतर बैक्टीरिमिया हो जाएगा, जब सेप्टिसीमिया डेवलप करेगा, तो बिना एंटीबायोटिक के काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम जान बचाने के लिए करते हैं, अनवांटेड इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ऑर्गन को खराब करने के लिए करते हैं। मतलब यह चीज समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल एक अमृत भी है तो विष भी है। अगर जरूरत पे करेंगे तो हमारे शरीर को यह अमृत प्रदान करेगा, अनवांटेड करेंगे तो यह हमारे शरीर में विष प्रदान करेगा, जिसका प्रभाव हमको आज नहीं पता लग रहा है, भविष्य में आगे जाकर पता चलेगा। दूसरा एंटीबायोटिक का एक ग्रुप हम बताएंगे, एमिनो ग्लिसराइड ग्रुप आता है। एमिनो ग्लिसराइड ग्रुप में हम लोग कुछ ऐसे एंटीबायोटिक कर रखे हैं जो ग्राम निगेटिव में ज्यादा काम करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सब में ज्यादा काम करता है, मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूजेज होता है, जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, इकोलाई हो गया, बीकोलाई हो गया, लूज मोशन में, गोनोरिया में, तो मीनिंजाइटिस में, जहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों इस बैक्टीरिया है वहाँ पे हम लोग एमिनोग्लिसराइड ग्रुप का अच्छा सा रिस्पांस मिला है। और कल्चर टेस्ट में जो होता है इकोलाई बीकोलाई जाता है उसमें मोस्ट डीओसी मतलब कि ज़्यादा सेंसिटिविटी जिसका रिपोर्ट आता है वह आता है एमिनोग्लिसराइड ग्रुप का। एमिनोग्लिसराइड में जो दवा है वह जेंटामाइसिन मोस्ट पॉपुलर और सबसे पहले एंटीबायोटिक है, एमिकासिन है, टोबरामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज ट्यूबरक्लोसिस में होता था, मोस्ट पॉपुलर डीओसी था ट्यूबरक्लोसिस का स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले, लेकिन यह भी क्या करता है नेफ्रोटॉक्सिन और ओटोटॉक्सिन है, मतलब कि यह भी किडनी को डैमेज करता है, नेफ्रॉन को डैमेज करता है और खान में बहरापन लाता है। शायद इसीलिए आजकल स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत डॉक्टर लोग नहीं करते हैं, रेयर कंडीशन में होता है, क्योंकि यह कान में बहरापन लाता है। और जितना भी एमिनोग्लिसराइड ग्रुप है वह रीनल को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, इसलिए डॉक्टर अगर इसको चलाता है किसी कंडीशन में इसको देने की जरूरत पड़ती है तो हमको रीनल फंक्शन टेस्ट कराते रहना पड़ेगा, रीनल का पोजिशन देखते रहना पड़ेगा, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहना पड़ेगा, किडनी के फंक्शन को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे लोग पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में जहाँ पे धड़ल्ले से मीकासिन का यूज हो रहा है, किसी भी कारण से जेंटामाइसिन का यूज हो रहा है, किडनी को खराब कर रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन बाहर जितने भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वह जब एमिनोग्लिसराइड ग्रुप चलाएंगे तो KFT RFT जरूर करा के चलाएंगे, फिर यह चला दिए तो उसको फॉलो अप में देखते रहेंगे कि इसके चलाने से किडनी पर तो असर नहीं हो रहा है। यही चीज है, इसी चीज को समझने की जरूरत है, इसी चीज को जानने की जरूरत है, यही हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा और अलग ग्रुप में हम लोग बैक्टीरिया के लिए जो यूज करते हैं वह टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन भी मोस्ट कॉमन घाव वगैरह में, वुंड्स में, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव में, इसका गाइनोलॉजिकल डेंटल ओरल इन्फेक्शंस में, गाइनोलॉजिकल इन्फेक्शन में, गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, घाव में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का बहुत पहले से यूज अच्छा यूज होते आ रहा है। और इसमें जो दवा इस्तेमाल गायनोलॉजिस्ट लेडीज डॉक्टर द्वारा भी अधिक लिखे जाने वाला दवा है, एंटीबायोटिक भी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इसका इस्तेमाल लेडीज गायनोलॉजिस्ट लोग करते हैं इसका,
इसमें जो ग्रुप आते हैं वह टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनीसाइक्लिन आता है। और यह क्या करता है कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव है जिस जिस बीमारियों में बताया, लेकिन इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, यह हेपेटोटॉक्सिक होता है, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसमें लीवर डैमेज हो सकता है, टूथ डिक्लेरिएशन हो सकता है, दांत पीला हो सकता है जनरली, और बच्चा का ग्रोथ रोक सकता है। इसलिए हम लोग 12 साल से कम के बच्चा को इसको नहीं देने का प्रयास करते हैं कि 12 साल से कम के बच्चा को नहीं देंगे, क्योंकि यह ग्रोथ का, बच्चा का जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को रोकने का काम आता है। अब एक और मोस्ट पॉपुलर ग्रुप आ गया एंटीबायोटिक का, मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स का जो है शुरू से ही दवा का, इसका जो ग्रुप का जितना भी दवा है, एक ना एक दवा शुरू में जितना भी एंटीबायोटिक की प्रजातियां हैं, जितना भी एंटीबायोटिक की दवा है, इसमें कोई ना कोई एक ग्रुप जो है, इसका दो तीन नाम है इस ग्रुप में, जैसे रिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन, तो कोई ना कोई एकदम ही हावी रहा है, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए काम किया। जैसे रिथ्रोमाइसिन पहले यूज किया जाता था बहुत कॉमन, बहुत घाव के लिए, दांत टूथ इन्फेक्शन के लिए, डेंटल इन्फेक्शन के लिए, बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा दवा था एरिथ्रोमाइसिन। अब एरिथ्रोमाइसिन आजकल यूज कम होता है, अब एजिथ्रोमाइसिन यूज होता है। अब मोस्ट जो है एजिथ्रोमाइसिन का यूज ज़्यादा करने को देखने को मिला गया, एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो एजिथ्रोमाइसिन भी इसी ग्रुप का है, इसका भी जो है प्रभाव जो है, या स्ट्रेप्टोकोकस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, आजकल कोरोना में भी बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल किया गया। कोरोना में किसी को फीवर हो गया हो जा रहा था, तो कोरोना तो एक वायरल इन्फेक्शन था, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका अच्छा काम है। तो इस सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एजिथ्रोमाइसिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। पहले एरिथ्रोमाइसिन का होता था, अब एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल हो रहा है। मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर और सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। तो यह जो है, अब जो है, अब अगला जो हम लोग बात करेंगे वह क्लोरीफेनिकल एक एंटीबायोटिक आता है, क्लोरीफेनिकल ग्रुप है, वह NT50S राइबोसोम सब यूनिट के अंतर्गत आता है। तो क्लोरोफेनिकल टैबलेट का इस्तेमाल वह DOC ड्रग ऑफ च्वाइस था, ड्रग ऑफ च्वाइस था पहले टाइफाइड फीवर का। तो टाइफाइड फीवर का तो क्लोरोफेनिकल जो टैबलेट था वह DOC था, टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, और साल्मोनेला का DOC था, ड्रग ऑफ च्वाइस था। लेकिन यह दवा पे भी रोक लग गया, लोग कम इस्तेमाल करने लगा। क्यों? सबसे अच्छा इसका क्लोरोफेनिकल का यूज हम लोग देखे थे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, साल्मोनेला में, और मेनिंजाइटिस में, ब्रेन एब्सेस में। ब्रेन एब्सेस का कोई मरीज है, मेनिंजाइटिस का मरीज है, तो उसमें क्लोरोफेनिकल का ज़्यादा अच्छा यूज है। लेकिन यह क्या है कि यह गोरी बेबी सिंड्रोम के साथ साथ एप्लेस्टिक एनीमिया कोज किया, यानी ब्लड कैंसर कोज करता था, ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्लड कैंसर। इसलिए इसका पहले तो बहुत धड़ल्ले जब नया नया लॉन्च किया था तो एकदम लगातार इसका इस्तेमाल होने लगा और मरीज अच्छा सा रिकवरी होने लगा। लेकिन फिर एकाएक इसका जो रिसर्च हुआ और जो एप्लेस्टिक एनीमिया के पेशेंट की संख्या बढ़ी, तो यहाँ इसके बाद इसका सेल भी घट गया और डॉक्टर लोग बहुत रेयर कंडीशन में इसको लिखता है। इसलिए इस दवा को भी हम लोग सबको एडवाइस करेंगे कि ये प्लास्टिक एनीमिया कोज करता है क्लोरोफेनिकल, बिना इंडिकेशन, मेडिकल इंडिकेशन के, बिना स्पॉट के इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक का एक अलग ग्रुप है, जो बैक्टीरियोसाइडल्स, ऐसा स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेप्टो स्टेप्टोकाइलोकोकस ओरियस, बहुत सारे चीज में इस्तेमाल किया जाता है। और यह क्या करता है, यह कोलाइटिस कॉज करता है इंटेस्टाइन में। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि कोलाइटिस, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन करता है। आजकल मोस्ट पॉपुलर एक और ग्रुप एंटीबायोटिक आया है लिनोजिड। लिनोजिड जो होता है वह रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक है। और इसका भी अब जो हम लोग जानेंगे DNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स कौन कौन सा है, तो फर्स्ट जनरेशन इसका भी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। यह क्या करता है, बैक्टीरियोसाइडल है और DNA बैक्टीरिया के DNA का ग्रोथ एंजाइम को ख़त्म करता है, DNA सिंथेसिस को क्लोज करता है। यह जो एंटीबायोटिक होता है फर्स्ट जनरेशन में नाइलोडॉक्सिक एसिड होता है और स्टेफाइलोकोकस मायोकोप्लाज्म एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यह काम करता है। सेकेंड जनरेशन में मोस्ट कॉमन पॉपुलर एंटीबायोटिक्स के ग्रुप को रखा गया, जैसे सीप्रोफ्लॉक्सासिन का आप लोग नाम सुने होंगे, आज बहुत ज़्यादा पहले यूज होता था, अभी यूज होता है। नॉरफ्लॉक्सासिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लूज मोशन डायरिया डिसेंट्री में यूज होता है। ओफ्लोक्सासिलिन, लिवोफ्लोक्सासिलिन, यानी कि सीप्रोफ्लोक्सासिलिन, नॉरफ्लोक्सासिलिन, ओफ्लोक्सासिलिन,
और लिवोफ्लॉक्सासिन सब एक ही ग्रुप के एंटीबायोटिक है और यह सेकेंड जनरेशन में आते हैं, तो यह सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इस सबका अच्छा रोल है और इसके लिए इस उनके डीएनए सिंथेसिस को क्लोज करने के लिए या फिर उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड जनरेशन में हम लोग गेटिफ्लोक्सासिलिन इस्तेमाल करते हैं, इसका भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया में इसका रोल है। फोर्थ जनरेशन में हम लोग मॉक्सीफ्लोक्सासिलिन और गेमीफ्लोक्सासिलिन इस्तेमाल करते हैं, इसका भी ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, खासकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा अच्छा रोल देखने को मिला हुआ है। अब अदर डीएनए इनहिबिटर्स में हम लोग मेट्रिंडाजोल का जो बैक्टीरियोसाइडल है और यह मोस्ट पॉपुलर इन एंटीबायोटिक है जो जो डायरिया और डिसेंट्री, लूज मोशन, गायनोलॉजिकल इन्फेक्शंस, टूथ इन्फेक्शन में, ओरल इन्फेक्शंस में डॉक्टर, डेंटिस्ट, गायनोलॉजिस्ट इन लोगों का मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट चॉइस होता है इसका मेट्रिंडाजोल टेबलेट का, और इसका भी बहुत सारा रोल है और इसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल से हम सीजर, सेरेबुलर डिसफंक्शंस और बहुत सारे तरह के इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो अब आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स कुछ है, रेफेम्पिसिन है। रेफेम्पिसिन क्या होता है कि बैक्टीरिया के आरएनए सेल को डिस्टर्ब करता है और डिफ्यूज करता है, और यह जो है रेफेम्पिसिन है ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग ऑफ च्वाइस है। ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए जितने भी ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, चाहे वो ब्रेन में हो या फिर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर गायनोलॉजिकल में यूट्रस में हो, बोन में हो, एक शरीर के किसी भी अंग में अगर ट्यूबरक्लोसिस डेवलप कर रहा है तो रिफेम्पिसिन का यूज किया जाता है। 450 mg का इसका डोज होता है और स्टेफाइलोकोकस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में इसका अच्छा रोल है। और इसका जो होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या है कि इसके इस्तेमाल से पेशाब का जो कलर होता है वो लाल होता है और साथ में लीवर को डैमेज करता है, हाइपरटोक्सिसिटी है। तो जब हम रिफेम्पिसिन का यूज जब करेंगे तो उस आदमी का हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहेंगे। दूसरा हम लोग एंटीबायोटिक का ग्रुप जो आता है इन आइसोनियाजाइड होता है। आइसोनियाजाइड जो होता है टीबी के लिए टीबी का ड्रग ऑफ चॉइस है और इसका जो इसके साइज के चलते जो साइड इफेक्ट होता है वह पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, B6 की कमी हो जाती है कब। तो इस तरह का बैक्टीरिया का बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारा दवा है जो बैक्टीरिया को मारने का काम आता है। तो यह बीमारी के उपचार के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग बताया गया है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बताया गया है। मेडिकल साइंस में डेवलप हुआ है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपको ओरली रूप में मिल सकते हैं, इंजेक्शन के रूप में मिल सकते हैं, सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एंटीबायोटिक का, टॉपिकल मतलब कि क्रीम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, स्प्रे के कलर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, अवॉइंटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आई ड्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईयर ड्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हर चीज़ में एंटीबायोटिक का हर कैटेगरी के वाइज इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ है, जहाँ पर बैक्टीरिया को मारना है, वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। अब ऐसे किसी भी कारण से किसी भी बात को लेकर कहीं भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू नहीं हो जाना है। और सभी लोग जानिए कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्यों करना है, किस परिस्थिति में करना है। वायरल में एंटीबायोटिक कोई रोल नहीं है, फिर बार बार एक बार बात करते हैं, फिर लास्ट बार भी कह रहे हैं कि वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, फंगस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, फंगल डिजीज हो गया एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, प्रोटोजोअल डिजीज हो गया एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, हेलिमेंथ डिजीज हो गया, राउंड वार्म, हुक वार्म, पिन वार्म, सिट वार्म, टीनिया, किसी का भी इन्फेक्शन हो गया, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक का रोल केवल वहाँ है जहाँ पे आपको बैक्टीरियल डिजीज है, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, ओपन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, हाँ, या कोई भी गैस्ट्राइटिस मतलब कि पेरिटोनाइटिस है, कोई भी टाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, जो भी चीज़ है जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ है वहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। फीवर में भी जो फीवर बैक्टीरियल फीवर है वहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह सही इस्तेमाल करके और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल एक रेगुलर रिदिम में करना है, एक प्रॉपर डोज में करना है, एक ग्रुप स्टार्ट करके एक प्रॉपर डोज पूरा करना है, फ्लक्चुलेट करके जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है कि आज 2 दिन दूसरा एंटीबायोटिक, कल 2 दिन दूसरा एंटीबायोटिक, परसों 2 दिन दूसरा एंटीबायोटिक, चौथा 2 दिन दूसरा एंटीबायोटिक, यह चीज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है कि पेशेंट खराब होता है, आपका जो बैक्टीरिया होता है वह एंटीबायोटिक के प्रति इम्यूनाइज हो जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है और आगे उस बैक्टीरिया कोई भी शरीर में इन्फेक्शन हुआ या उस तरह का बैक्टीरिया होगा उस पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप बिना इलाज के एंटीबायोटिक के अभाव में मर जाओगे।
कोई बड़ा बीमारी होगा, सारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है बॉडी में, तो जब बड़ा बीमारी होगा तो कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा, तो फिर जिंदा रहने का सवाल ही नहीं है। नया एंटीबायोटिक तुम्हारे लिए, नया एंटीबायोटिक थोड़ी डेवलप हो जाएगा एक विशेष आदमी के लिए, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाहर के देशों में जाके देखिए, वहां पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। जानकारी ही बचाव है, सचेत रहने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपनी जिंदगी अपने हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।